हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपको मेरे चेहरे की खुशी देखकर पता चल रहा होगा कि रमजान का मंथ स्टार्ट होने वाला है, किसी किसी चेहरे पे दम गम नहीं होगा। मेरे चेहरे से खुशी नहीं आ रही है। सो जैसा कि रमजान आता है और शुरू से रमजान का मंथ इज माय मोस्ट फेवरेट मंथ सीरियसली, और जैसे कि रमजान आता है बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए आती हैं, उन सारी चीज़ों के लिए आपको शॉपिंग करनी पड़ती है। तो ऐसे हो गए, वो बारिश नहीं आती, बारिश आती है तो पानी आता है, वही 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 सीन है यहाँ पे। और शॉपिंग आती है। सो जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, हम जा रहे हैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए और तीन जगह से हमें शॉपिंग करनी। मैंने लास्ट में वीडियो बनाई थी रमजान की शॉपिंग के ऊपर, अगर आपने नहीं देखी ऊपर लिंक आ रहा है, आप जाकर देख सकते हैं। सो तीन जगह से हमारी शॉपिंग होती है, एक जर्मन शॉप से, एक इंडियन शॉप से और एक अरेबिक शॉप से। मतलब कुछ चीज़ें कहीं से सस्ती मिलती हैं, कुछ चीज़ें कहीं से महंगी मिलती हैं, कुछ चीज़ें कहीं से हलाल मिलती हैं, कहीं से हलाल नहीं मिलती, कुछ चीज़ें कहीं से मिलती हैं और कुछ चीज़ें कहीं से नहीं मिलती। तो ये सारे फैक्टर्स देख के हमें जाना पड़ता है शॉपिंग के लिए। सो काफ़ी मुश्किल टाइम होने वाला है, काफ़ी बिजी दिन गुजरने वाला है यहाँ पे हमारा। सो सबसे पहले हम जा रहे हैं हासिबाग प्लास, जहाँ पे मागदेबुर्ग में एक जगह का नाम है हासिबाग प्लास, जहाँ पे इंडियन शॉप है। सो वहाँ से काफ़ी एशियन चीज़ें मिल जाती हैं आपको, शान के मसाले हो गए, बेसन हो गया, रूह अफ़ज़ा, आटा वगैरह, ये सब चीज़ें हम इंडियन शॉप से लेते हैं। तो ये हम पहुंच चुके हैं हासिबाग प्लास पे, जहाँ पे इंडियन शॉप है और यहाँ से हमें लेने हैं कुछ मसाले। हरी मिर्चें यहाँ की बहुत स्पाइसी होती है, बहुत मज़े की होती हैं। दालें हर किस्म की आपको यहाँ पे मिल जाएगी, माश की दाल, चने की दाल, ब्लैक दाल, येलो दाल, हम ना कलर से दाल याद रखेंगे, ये वाली दाल वो वाली और ये वाली वो वाली है। सो सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। सो गाइस, इंडियन शॉप से हमने शॉपिंग कर ली और यहाँ पे आपको ना सब देसी चीज़ें मिल जाएंगी, सारी हर किस्म की दालें आपको मिल जाएंगी, हर किस्म के पाकिस्तानी मसाले, इंडियन मसाले सब मिल जाएंगे, अचार हो गया, रूह अफ़ज़ा वगैरह हो गया, उसके बाद हर सब्ज़ियाँ वगैरह, हर तरह की फ्रेश सब्ज़ियाँ, फ्रोज़न सब्ज़ियाँ, मिठाई वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। किसी दिन डिटेल वीडियो बनाऊँगा पूरी ना, तो फिर वो आपको दिखाऊँगा, पर अभी टाइम कम था। सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेशन पर। सो गाइस, जैसा कि रमजान करीब आ रहा है तो मौसम में काफ़ी तब्दीलियाँ आना शुरू हो गई हैं ना रमजान? बिल्कुल, सुबह जो है हम बाहर आए थे 17 डिग्री सेंटीग्रेड और तेज़ धूप थी और अभी आया सर्दी लग रही है। मतलब जब हम तैयार नहीं होकर जाते ना, मतलब जैकेट वगैरह उतार के बाहर धूप है तो उसी वक्त एकदम हवा चलना शुरू हो जाती है। मेरे पीछे जैकेट तो बैग में एक्स्ट्रा होनी चाहिए। वही बिल्कुल सही बात है। और बिल्कुल मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है, लोग आइसक्रीम वगैरह इन्जॉय कर रहे हैं, जूसेज इन्जॉय कर रहे हैं, दोबारा से गर्मी आ गई है तो अब ये चीज़ें दोबारा चलना शुरू हो जाएंगी। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं अरेबिक शॉप पे, हलाल शॉप पे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें तो हम जर्मन शॉप से ले लेते हैं लेकिन कुछ हलाल चीज़ें, मतलब चिकन हो गया, मीट वगैरह, ये सब चीज़ें, खजूरें वगैरह, तो ऑयल भी जो है अरेबिक शॉप से लेना पड़ता है, क्योंकि मतलब ऑयल तो वाकई शॉर्ट हुआ। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी ऊपर लिंक आ रहा है, जाकर देख सकते हैं। अब अदा करें, आज हम कॉफ़ी जब जाएँ हमें मिल जाए, क्योंकि वो ज़रा सस्ता पड़ता है। जो अरबी शॉप से हमें दिया था वो हमें महंगा मिला था, लेकिन क्या करेंगे, ना मिला तो वही लेना पड़ेगा। तो अब हम आ चुके हैं सिटी कारे, यहाँ पे एक अरेबिक शॉप है। अरेबिक शॉप तो बहुत सारी है मागदेबुर्ग में, लेकिन ये यहाँ पे हम ज़रा मोस्टली यहाँ पर आते हैं शॉपिंग करने के लिए, ज़्यादा शॉपिंग करनी होती है। तो यहाँ से हमने चिकन वगैरह लिया, खजूरों की आप देखें कितनी वैरायटी आपको नज़र आ रही है खजूरों की, क्योंकि रमज़ान है, वैसे इतनी नहीं होती, रमज़ान में इतनी वैरायटी होती है ना कि आप बस सोचें मत, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अरबी हैं, काफ़ी लोग रोज़ा रखने वाले हैं। सो फ्रेश सब्ज़ी आपको यहाँ मिल जाएगी, फ्रेश मीट आपको देखें कितनी किस्म का आपको मीट नज़र आ रहा होगा, पर हम सिर्फ चिकन ही खाते हैं, क्या करें। सो ये थी अरेबिक शॉप, यहाँ से हम सारी हलाल चीज़ें लेते हैं, मतलब चिकन हो गया, मीट हो गया, कीमा वगैरह, जो भी आप खाना पसंद करते हैं वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और खुब्ज़ हम यहाँ से लेते हैं, मतलब होता है रोटियों का, जो रोटियों का रद्दोबदल जो होता है, मतलब जैसे रोटी घर में नहीं बनानी तो वो खुब्ज़ के साथ सालन वगैरह खा सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसकी एक वीडियो भी बनाई थी, हाँ एक वीडियो में ऊपर लिंक आ रहा है, आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर हमें सारा खुब्ज़ वगैरह दिखाई थी, धनिया पुदीना वगैरह मिल जाता है यहाँ से। और ये में खजूरों की भी काफ़ी वैरायटी होती है, हाँ खजूरें वो भी आपने देखी होंगी, वीडियो क्लिप्स मैंने दिखाई हैं। और हलाल शॉप की आपने टेंशन नहीं लेनी, आपको मागदेबुर्ग में ना जगह जगह, मतलब जर्मनी में हर जगह जगह आपको हलाल शॉप मिल जाएगी, मतलब जिस जगह पे भी आप रहते हैं उसके आसपास एक हलाल शॉप होगी। काफ़ी अभी यहाँ पे रहते हैं तो काफ़ी हलाल शॉप ना यहाँ पे हैं, हलाल फूड के भी, मतलब जो फास्ट फूड होता है उसका भी ऑप्शन है आपके पास, रेस्टोरेंट से मतलब हलाल फूड है। और ये सिटी कार पे अभी हम आए हैं, यहाँ पे ज़रा जो होता है ना, यहाँ पे ज़रा फ्रेश चिकन वगैरह मिल जाता है, ज़रा प्राइसेस भी आई थिंक बाकी शॉप से ज़रा कम रीज़नेबल प्राइसेस है और चीज़ें भी फ्रेश होती है। सो गाइस, शुक्र है फाइनली हम जा रहे हैं कॉफ़ी लैंड, जहाँ से हमें मैक्सिमम चीज़ें ले ली है, क्योंकि हलाल शॉप से तो हमने चिकन वगैरह, खजूरें वगैरह, जूस वगैरह ले लिया, इंडियन शॉप से मसाले वगैरह भी ले लिए। अब फाइनली जा रहे हैं कॉफ़ी लैंड और यहाँ पे देखने बाकी चीज़ें, आपको देखना क्या क्या लेना है। और ये सिटी कारी पे ही है, मतलब इसके बिल्कुल बैक साइड पर भी हम अरेबिक शॉप से होकर आए हैं और सामने ही ना कॉफ़ी लैंड है, सो ये काफ़ी आसानी हो जाती है, हमें ट्राम भी नहीं चेंज करनी पड़ती और हम आराम से पहुँच जाते हैं। और इसकी दो ब्रांचेज हैं कॉफ़ी लैंड की, मतलब मागदेबुर्ग में दो ब्रांचेज हैं रमजान, तो एक हम जहाँ पे बड़ा स्टोर है ना वहाँ पर काफ़ी वैरायटी होती है, मतलब चीज़ें तो सेम होती हैं पर जगह का फ़र्क है। सो आज हम इस वाली ब्रांच पर आए हैं क्योंकि ये ज़रा पास थी।
और अब क्योंकि ईस्टर आने वाला है तो काफी डेकोरेशन चल रही है मॉल्स वगैरह में, आप देख रहे होंगे काफी डेकोरेशन होगी ईस्टर की वजह से। तो फाइनली कॉफ्टन में एंटर हो चुके हैं और ऑयल जो है वो खत्म हुआ है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑयल नहीं मिल रहा है यहाँ पे, सो देखते हैं क्या होता है आगे जाके मिलता है कि नहीं। और कुछ समझ में नहीं आता क्या लेने आए थे और क्या लेने जा लेकर जा रहे हैं। और ये मैं तो पेस्ट में ले रहा हूँ अभी, ये काफ़ी अच्छा रहता है, ईजी रहता है कुकिंग के लिए कि आपको जस्ट पेस्ट डालो और कुछ भी काटना वगैरह नहीं पड़ता। और ये चीनी और नमक और साथ मैदा हम ये वाला यूज़ करते हैं। ये देखें सारे ना आपको वो स्नैक्स मिलेंगे, आपको आलू के बने हुए टिक्कियाँ वगैरह हो गई ये, और ये सारा अरसलान का फेवरेट सेक्शन यहाँ पर तो हम आते ही आते हैं। बिस्किट्स हो गए, कुकीज़ हो गए, ये सब लेना होता है। ये दूध आ गया हमारा और ये सारा शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बिल बन रहा है। सो मैंने कहा आपको जल्दी से दिखा दूँ, शॉपिंग हो गई और अब मैं रोजे रखने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन जितनी मर्जी भी आप लिस्ट बना लो ना, आप प्लानिंग करके चलो जो इतना कर ये लेना है वो लेना है, जब भी आप कॉफी में एंटर हो जाते हो किसी भी जर्मन स्टोर में सब कुछ भूल जाते हो। इतनी वैरायटी है बंदा कंफ्यूज हो जाता है, आप एक्स्ट्रा चीज़ लेके आ जाते हो, जो चीज़ लेने जाना होता है ना वो आप भूल जाते हो। जरूरत की चीज़ें हमने ले ली, कुछ रह गई वो हम बीच में आते आते ले लिया करेंगे। और बस रोजे के साथ यही तो टास्क है, रोजे के साथ काम भी करने हैं साथ साथ, सिर्फ रोजा तो नहीं, रोजा रख लिया बस इस दफा माशाल्लाह बच्चों जॉब है। कुछ लोग ना रोजे रख के सो जाते हैं और रात के टाइम उठते हैं, वेरी बैड। लेकिन इस दफा ऐसा नहीं होगा। सो बस अपार्टमेंट में चलते हैं, आपको चीज़ें दिखाता हूँ, इस वीडियो को एंड करता हूँ। सो या हो फाइनली हमें कुकिंग ऑयल मिल गया और ये क्लिप कुछ दिनों के बाद की है और हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मिल जाएगा। और हमने जब उनसे पूछा वो कहते हैं बोरी, हमने कहा हैं ये भी ये कब आया, और वो हमने तो चार चार बोतलें उठा दी, पर उन्होंने कहा नहीं एक बंदा सिर्फ एक ही बोतल लेकर जा सकता है और वही सेम प्राइस में 1.79 यूरो। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं हम अपार्टमेंट में, नमाज वगैरह पढ़ ली है और बहुत थक चुके हैं, रोशनी में गए थे और अंधेरा हो गया था, इतनी चीज़ें हमने दी हैं। लेकिन आज शॉपिंग करना इसकी जरूरत है, कल संडे था, कल तो वैसे सब कुछ बंद होगा और इस रमज़ान हमारे थोड़े बिजी भी गुजरने हैं। मतलब ये हमारा जर्मनी में तीसरा रमज़ान है, तो पहले दोनों रमज़ान में माशाल्लाह कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता था कि कोई जॉब नहीं होती थी, कोई क्लासेज नहीं होती थी, पर इस दफ़ा ना सब कुछ ऑनलाइन हो गया, मतलब सब कुछ फिजिकल हो गया और जॉब वगैरह भी है, क्लासेज भी हैं और पेपर्स वगैरह भी हो रहे हैं बीच में ऑन एंड ऑफ। सो थोड़ा बिजी होने वाला है तो टाइम नहीं मिला था शॉपिंग का। लेकिन वो होता है जितनी मर्जी आप शॉपिंग करके आ जाओ, पर होता है कोई ना कोई चीज़ रही जाती है, आप बेशक जितनी मर्जी लिस्ट बना लो तो वो आपको लेने जाना पड़ती है, वो आप लेके आओगे। सो ये चीज़ें हमें ली हैं बेसिकली तीन जगहों से, इंडियन शॉप से, अरेबिक शॉप से और जर्मन स्टोर से। अब ये आप देख सकते हैं जल्दी जल्दी। और दूध जो है क्योंकि चाय के बहुत ज़रूरी है, रमजान में सहरी में रफ्तारी में चाय ना मिले तो बस फिर पूरा सर में दर्द रहेगा पूरा दिन, तो दूध जितना भी आए कम रहता है, दूध का पता नहीं चलता कहाँ जाता है, दूध ज़्यादा हम ले लेते हैं। तो ये जामा शी हमने इंडियन शॉप से लिया है और ये रोज़ों में काफ़ी काम आएगा। और ये जो दूसरा ये टैंक की तरह का जूस होता है, ये हमें अरबी हराज शॉप से, किसी भी एशियन शॉप से आपको मिल जाएगा, इसमें काफ़ी फ्लेवर्स होते हैं, मैंने वीडियो भी बनाई थी, हमें देखी होगी। सो हमने पाइनएप्पल फ्लेवर लिए यहाँ पे और बाकी ये अंडे हो गए, ये ऑरेंज जूस हो गया, योगर्ट, क्रीम, प्याज, चिकन लिया हमने राज शॉप से, चिकन लिया स्पेशल वहाँ से। और ये जो ग्रीन चिलीज़ है ना, ये हमने इंडियन शॉप से ली है, ये बहुत स्पाइसी होती है, हमें स्पाइसी भी ग्रीन चिलीज़ खानी है, वो आपको इंडियन स्टोर से मिलेंगी, जो अरेबिक शॉप वगैरह से मिलती है ना बड़े साइज़ की, वो उसमें ना वो बिल्कुल शिमला मिर्च तरह होती है, मतलब उनका कोई टेस्ट नहीं, स्पाइसी होती नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है, बॉयल्ड चिक पीस, यहाँ पे चने बॉयल करना तो बहुत ही मुश्किल है, उससे बड़ा ईजी ऑप्शन रहता है आपके लिए, एक कैन ले और आपका एक टाइम पर आराम से दो बंदे खा सकते हैं, चाट वगैरह होगी, जो भी रमज़ान में आपको पता क्या क्या खाने को मिलता है। तो बस ये सारी चीज़ें थी बेसिकली इतनी सी, और बाकी कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, कुछ चीज़ें हमारे पास थक गए थे, मैंने कहा जगह भी नहीं थी सामान में। और ये बैग बहुत ज़रूरी होता है, आप ना जब भी आप नए पहली दफ़ा भी अगर शॉपिंग पे आ रहे ना, आप एक दफ़ा भी ना ये आके ये बैग कॉफ्रेंस से हमने लिया था और ये हमने शुरू में लिया था और ये हमारे काफ़ी चल गया, काफ़ी मजबूत बैग होता है और जब भी हम ग्रॉसरी के लिए जाते हैं इसको ले जाते हैं और ये आराम से दो बंदे भी, अगर दो बंदे जा रहे हैं तो दो बंदे उठा के लेके आ जाएँ, और ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है क्योंकि वो आप हर दफ़ा जो परचेज़ करेंगे उसको कोई फ़ायदा नहीं है। और ये आई थिंक आपको 1 यूरो के अंदर आपको मिल जाता है, सो नॉट बैड, क्योंकि कहाँ आप नहीं इतना सामान बार बार लेके आएंगे। और हम लोग यहाँ पे यही होता है बेसिकली कि एक ही दफ़ा कोई शॉपिंग नहीं करते, मतलब आपको हफ्ते में या महीने में, हफ्ते में तो एक दफ़ा आराम से जाना पड़ता है, आप रोज़ रोज़ जा नहीं सकते, तो आपको इतना बैग तो चाहिए होगा सामान के लिए, आपके हैंड बैग में इतना सामान नहीं आता, फिर वो चीज़ें जिप वगैरह बैग खराब होगी। सो ये थी सारी ग्रॉसरी शॉपिंग, बहुत मज़ा आया शॉपिंग करने का, रमदान आने वाली है उसकी और भी ज़्यादा खुशी है। सो आप सबको मेरी तरफ से रमदान में एडवांस की रमदान मुबारक और बहुत ज़्यादा इबादत कीजिएगा, दुआएं कीजिएगा, नमाज पढ़िएगा, नमाज पढ़िएगा, मैं भी आप लोगों की दुआएं करूँगा, आप लोग भी हमारी दुआएं कीजिएगा, कोरोना जल्दी से खत्म हो जाए पूरी, मतलब काफ़ी कम हो गया, बिल्कुल ही खत्म हो जाए दुनिया से, सब जगह पर सब कुछ नॉर्मल हो जाए, ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन सब कुछ खत्म हो जाए, फिजिकल सब कुछ काम शुरू हो जाए, ऑफिस वगैरह, क्लासेस वगैरह। सो इसी नोट के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड, आप सबको मेरी तरफ से रमदान की फिर से एडवांस रमदान मुबारक और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर अभी तक किसी ने नहीं किया, क्योंकि काफ़ी व्यूज़ आते हैं पर लाइक्स और सब्सक्राइबर लोग कम, सब्सक्राइब लोग कम करते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आई है सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज रमज़ान स्लीम, एंड एडवांस में रमज़ान मुबारक, कैमरामैन थक चुका है, सो बाय बाय।